अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल हुरानोस से पूछता है मुलाकात कहाँ तय हुई है। हुरानोस कहता है सौगत के बाहर जंगल में, हम नहीं जानते कि लेंजक क्या करेगा। अर्तुगरुल कहता है तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। हुरानोस हैरान होकर पूछता है क्या आप लोग छुप के उनके लिए जाल नहीं बिछाने वाले। अर्तुगरुल कहता है लेंजक किसी भी किस्म के जाल के लिए तैयार होगा, इसलिए हम बिल्कुल उसके पीछे उसका ताकुब करेंगे। दूसरी तरफ सलजान खातून अपने बेटे की कब्र पर फातिहा खानी कर रही थी। इसके बाद वो कब्र के ऊपर पानी डालती है, फिर बाद में टोपी और तलवार के साथ एक धागा बांधती है और कहती है कि मैं तुम्हारा इंतकाम लेकर रहूंगी बेटा, हम उस शैतान अलबास्ती को तलाश करेंगे, तुम्हारी माँ तुम्हारा खून रायगा नहीं जाने देगी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और अर्तुगरुल के सिपाहियों ने बाज़ंतीनियों वाली वर्दियाँ पहन रखी थी। वो हुरानोस के साथ चल पड़ते हैं, ये अर्तुगरुल साहब का एक मंसूबा था। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों से कहता है कुछ भी हो जाए अपनी शिनाख्त जाहिर ना करना। हुरानोस कहता है कि हम सब लोग एक ही कश्ती में सवार हो गए, अगर एक डूबा तो सब ही डूबेंगे। इतने में उनके सामने आकर तीर गिरते हैं और लेंजक के सिपाहियों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया होता है। इस तरह मंगोल सिपाही उनको घेरे में लेकर उन सब की तलवारें ले लेते हैं। इतने में लेंजक भी वहां आ जाता है, बोलक भी लेंजक के साथ था। अर्तुगरुल कहता है लाजमी इनके साथ अलबास्ती मौजूद होगा। फिर हुरानोस अपनी जेब से खत निकाल कर आगे बढ़ता है। तो लेंजक कहता है मैं सुन रहा हूँ, बोलो आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। हुरानोस कहता है कि आप माजी को भूल जाएं, आप मुझे माफ कर दें और मुझे एक अपना वफादार गुलाम बना लें। लेंजक कहता है मैं तुम जैसे कुत्ते को अपना गुलाम बनाने के बजाय तुम्हारी खाल से अपने जूते बनाना पसंद करूंगा। हुरानोस कहता है अगर आपको मुझ पर शक है तो आप अभी मुझे मार सकते हो, मगर आप मुझ पर यकीन करें, मैं आपको और अपने किले को तुम्हारे हवाले करने आया हूँ। लेंजक कहता है कि मैंने बाज़ंतीनियों से बहुत सारे धोखे खाए हैं, इन सब को मार दो। इतने में हुरानोस कहता है रुक जाओ, मेरे हाथ में खानों के खान लाखों खान का खत है। ये सुनकर लेंजक कहता है रुक जाओ, ये सुनकर सब रुक जाते हैं। फिर हुरानोस कहता है मैंने ये खत अर्तुगरुल के सौगत वाले सराय महल से हासिल किया है। लेंजक खत खोल कर देखता है तो अलाको खान की इज्जत के तौर पर नीचे बैठ जाता है। फिर लेंजक खड़ा हो जाता है और कहता है कि खानों के खान अलाको खान ने आपका किला लेने को कहा था, मगर अर्तुगरुल ने मेरे साथ चाल चली। हुरानोस कहता है अर्तुगरुल ने आपके साथ कई चालें चली होंगी। फिर लेंजक बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर हुरानोस कहता है मुझे लाको खान के हुक्म आपसे पहले पता चल जाते थे, अब मैं आपके लिए अपने किले के दरवाजे खोलना चाहता हूँ और आपके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर हमले करना चाहता हूँ। इसके अलावा मुझे पता चला है अर्तुगरुल का जासूस आपके अंदर मौजूद है, उसको पकड़ने में मैं आपकी मदद करूंगा। लेंजक कहता है ये खत तुम्हें कैसे मिला, जासूस के बारे में तुम्हें कैसे पता चला। हुरानोस कहता है सौगत में मेरा एक जासूस रहता है, उसने अर्तुगरुल की बातें सुनी और ये खत निकालने में भी वहां से कामयाब हो गया। मैं हलाको खान के तमाम खत वहाँ से निकाल सकता हूँ अगर आप मुझे गुलाम बना लें तो। मैं अर्तुगरुल को सोने की प्लेट में रख कर आपको पेश कर सकता हूँ। लेंजक कहता है अब तुम किले वापस जाओ द्रगोस और मेरे हुक्म का इंतजार करो, हम जा रहे हैं। फिर लेंजक कहता है तुम मेरे साथ आओ अलबास्ती। उनके जाने के बाद हुरानोस कहता है जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया है अर्तुगरुल, अब अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अर्तुगरुल कहता है अब तुम वापस जाओ द्रगोस, लेंजक मेरे जासूस को गुस्से में मार देगा, मुझे जल्दी करनी होगी। ये कहकर अर्तुगरुल और अर्तुगरुल का सिपाही लेंजक के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में हफ्जा और उसके बच्चे खेमे में मौजूद थे। इतने में सरमा अंदर दाखिल होती है और कहती है मैं सौगत से कुछ चीज़ें खरीदने गई थी, मैंने सोचा कि कुछ देर यहाँ रुक जाऊँ। हफ्जा खातून कहती है आ जाओ बैठ जाओ सरमा। फिर सरमा बैठ जाती है और कहती है माशाल्लाह आपके बच्चे भी आपकी तरह मेहनती हैं, सौगत में आपके बच्चे मेरे जहन में आए थे इसलिए मैं इनके लिए कुछ तोहफे खरीद कर लाई हूँ। फिर सरमा अपने झोले से एक बस्ता निकाल कर आईबर्स को देती है और कहती है कि ये तुम्हारी किताबों के लिए है बस्ता। आईबर्स उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर सरमा एक कुर्ता निकाल के सूफिया की बेटी असलिहान को देती है, असलिहान भी उसका शुक्रिया अदा करती है। हफ्जा कहती है आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी। सरमा कहती है आप बच्चों की आंखों में खुशी नहीं देख रही। फिर हफ्जा खातून कहती है आप मुझे और अपनी बड़ी बहन को अकेला छोड़ दो। इसके बाद वो दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर सरमा कहती है जो कल आपके साथ हुआ वो मेरे जहन से निकल ही नहीं रहा हफ्जा खातून, मैं आपके बारे में बहुत परेशान थी। हफ्जा खातून कहती है मैं हैरान थी। हफ्जा कहती है मैं नहीं जानती लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, सलजान खातून ने आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी, हम सब खवातीन ने देखा था। हफ्जा खातून कहती है मैंने उसकी हर बात मानी थी। ये सुनकर हफ्जा खातून कुछ सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और अर्तुगरुल के सिपाहियों ने दोबारा अपने भेष बदल लिए थे और वो लेंजक के खुफिया ठिकाने के करीब पहुंच चुके थे। लेंजक को देखकर उसका सिपाही दोबारा उसका अदाब करते हैं। बमसी अर्तुगरुल से कहता है कि देखो ये शैतान किस तरह छुप कर बैठे हुए हैं। अर्तुगरुल कहता है ये इनके जालों की एक हिस्से में पता नहीं इन्होंने कितने और जाल बिछाए हुए होंगे। अर्तुगरुल कहता है अगर हम इस रास्ते से मरगन को बचाने गए तो ना हम इनके जाल में फंस जाएंगे बल्कि मारे भी जाएंगे। अर्तुगरुल कहता है हम दो हिस्सों में बटेंगे, बामसी तुम कुछ सिपाहियों के साथ यहाँ लेंजक का ध्यान भटकाओ, हम दूसरी तरफ से जाकर मरगन को बचाएंगे।
हमारे जाते ही तुम इन पर हमला कर देना, इनको लड़ाई में इतना वक्त देना कि जिसमें हम मरगन को बचा लें। दूसरी तरफ अलेंजक तेजी से मरगन की तरफ बढ़ रहा था। अलेंजक मरगन के सामने जाकर खड़ा हो जाता और कहता है कि तुमने कहा था कि मैं अर्तुगरुल के लिए काम नहीं कर रहा, यह लाखों खान का वो खाता है जो अर्तुगरुल ने चोरी किया था। क्या तुम समझते हो मुझे बेवकूफ बना लोगे? अब तुमसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है, पहले मैं तुम जैसे कुत्ते से छुटकारा हासिल करूंगा और फिर तुम्हारे मालिक से। ये कहकर अलेंजक एक नेजा पकड़ लेता ताकि वो मरगन को मार सके। मरगन कलमा शहादत पढ़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान बामसी और बामसी के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। इस तरह बामसी और बामसी के सिपाही घात वाले सिपाहियों को मार देते हैं। इतने में एक मंगोल सिपाही बिगन बजा देता है। ये सुनकर अलेंजक रुक जाता है। ये इस बात की निशानी थी कि कोई मसला हो सकता है। अलेंजक के सिपाही जो दरख्तों के ऊपर घात लगाए खड़े थे, बामसी के सिपाही उनको भी मार देते हैं। दूसरी तरह एक सिपाही भागता भागता अलेंजक के पास आता है और कहता है हम पर हमला हो गया है। अलेंजक कहता है ये बरखे खान के आदमी होंगे, इनको अब मैं अपने पंजों में जकड़ लूंगा। एक यूनिट यहाँ रुक जाए और बाकी सिपाही मेरे साथ आ जाएं। ये कहकर वो वहाँ से चल पड़ते हैं और काफ़ी सारे सिपाही भी उनके साथ चल पड़ते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है कि बामसी ने उन सबको अपनी तरफ खींच लिया है, चलो सिपाहियों मरगन के करीब होते हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ अलेंजक बामसी की तरफ बढ़ रहा था। बामसी और बामसी के सिपाही उन पर तीरों से हमला कर देते हैं। इस तरह से अलेंजक के बहुत सारे सिपाही मारे जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल मरगन के करीबी सिपाहियों पर हमला कर देता है और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। रिशो चलो नाश्ता कर लो, पहले सफ़र लंबा है, तुम्हारी तबीयत पहले ही ख़राब है, सब ठीक हो जाएगा। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। नवें शाह सुना आपने, कुछ भी ठीक नहीं होगा अब, क्योंकि मेरे नाम के साथ अब नवें शाह का नाम जुड़ चुका है, जो मुझे हर वक्त ये एहसास दिलाएगा कि मैं आपके एहसानों तले दबी एक लाचार गुलाम हूँ। एक बार फिर आप जीत गए नौशा। ले जाओ इसे अपने साथ, तुम्हारी माँ बाप माने मानते हैं या नहीं मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अब इससे कोई रिश्ता नहीं है। पहले हम नाश्ता करेंगे, फिर वापस जा रहे हैं लाहौर। मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ और मैं भी आपकी गुलाम नहीं हूँ नौमेशा। इसकी बात पर नौमे मुस्कुरा दिया। अब समझ आई कि तुम्हारे लहजे में इस नाम के लिए इतनी नफरत क्यों थी, क्यों हर बार मेरे नाम के साथ शाह लगाना पूरी समझती हो। खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नाश्ता करते हैं, लेट्स गो। नाश्ता मैं घर जा के कर लूँगी, आप बस मुझे घर छोड़ दें। नौमे का दरवाजे की तरफ बढ़ता हाथ रुक गया और वो गुस्से से इसकी तरफ पलटा, जिद क्यों कर रही हो? मैंने एक बार कह दिया कि मैं तुम्हें इस दोजक में वापस लेकर जाने की गलती नहीं करूंगा, तो फिर क्या फायदा है जिद का? जिद मैं नहीं आप कर रहे हैं, बेहतर यही है कि आप मुझे घर छोड़ कर यहाँ से चले जाएं। मैं अब वापस नहीं आऊँगी, किसी हॉस्पिटल में जाब कर लूँगी। आप जो समझिए कि जैसे कोई रिशा गुल नहीं डॉक्टर इब्रा थी। मैं ऐसा नहीं कर सकता और ना ही तुम्हें करने दूँगा, तो फिर क्या चाहते हैं आप मुझसे? बचपन की जो नफरतें बाकी हैं उनको आप पूरा करना चाहते हैं? मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मुझसे झूठ क्यों बोला तुमने रिशा। वो इसलिए क्योंकि मैं एक बार फिर से नौशा की नफरत की हकदार नहीं बनना चाहती थी। मिल गया आपकी उजवा, अब ऐसा एहसान और करो मुझ पर, मेरे घर वापस छोड़ दें मुझे, और कोई गलती
होगी हो तो माफ़ कर दें। कितनी नफरत भरी है तुम्हारे दिल में मेरे लिए रिशा गुल, मगर मैं तुमसे ये नहीं जान मगर तुम नहीं तुम ये नहीं जानती कि मोहब्बत की ताकत नफ़रत की ताकत के आगे झुक जाती है। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे दिल से अपने लिए नफ़रत ख़त्म करके मोहब्बत में ना बदली तो मेरा नाम नौशा नहीं। वो दिल ही दिल में सोचने लगा मगर रिशा से कुछ नहीं कहा। ओके एज यू विश, मैं घर छोड़ देता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम वादा करो कि जाप नहीं छोड़ोगी और जल्द वापस आओगी। निशा ने कोई जवाब नहीं दिया मगर वो फिर भी मुतमैन था, जानता था इसे वापस बुलाने के लिए इसका साथ चाहिए। इसे वो जैसे ही घर की बाहर पहुँचे वहाँ की हालत देखकर हैरान रह गए। दोनों जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले। रिशा की माँ चीख रही थी और बहन भाई माँ को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मोहल्ले के लोग इनका सामान उठाकर घर से बाहर फेंक रहे थे। ये सब क्या हो रहा है, नौमे गुस्से से आगे बढ़ा कि ये क्या कर रहे हैं यार आप लोग, इन जैसे लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये लोग इस मोहल्ले में नहीं रह सकते, वो बुज़ुर्ग नहायत गुस्से से बोला। आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, आप कैसे इतना गलत फैसला कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आपको गलत फहमी हुई है, फिर भी आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं। बंद करवाएं ये सब अभी, वरना मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। ये धमकी किसी और को लगाओ को लगाना बेटा, तुम क्या बुलाओगे पुलिस को, पुलिस हमने बुला ली है। अब तुम जैसे रईस दादों को मजीद गरीब के इज्जत पर हाथ नहीं डालने देंगे। हमारे घर में बेटियां हैं, ये बेगैरतियां मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। क्या बदतमीज़ी है ये सब, मैं एक अच्छे ख़ानदान का लड़का हूँ, आप लोग अभी मुझे जानते नहीं। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ये तुम्हारा शहर नहीं है, यहाँ की पुलिस हमारे हिसाब से चलती है, समझे। तो तुम शादी करना चाहते हो इस लड़की से, अच्छे घरों के लड़के शादी की बात करने के लिए अपने वालदैन को घर वालों से बात खुद नहीं आते, माँ बाप को साथ लाते हैं, और तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। अभी अपने घर वालों से बात की नहीं मैंने, मगर बहुत जल्द इनको मना लूँगा। आप लोग बात का तंगड़ बना रहे हैं। देखो बेटा, हमें मत सिखाओ, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो हमें इस लड़के से निकाह कर लो या फिर इसके साथ जेल चली जाओ, और तुम्हारी माँ और तुम्हारे बहन भाई को छोड़ दो दर बदर की ठोकरें खाने के लिए। आगे मर्जी तुम्हारी है, पुलिस बाहर ही है मौजूद, और सारा सामान उठाकर बाहर फेंकने वाले भी को तो बुलाओ, उन सब को जिद मत करो। तुम आखिर क्या चाहती हो उनसे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा हमें, अब क्या चाहती हो हम दर बदर की ठोकर करें खाएं। ऋषा की माँ गुस्से से झिझोड़ती हुई बोली, चुपचाप बैठ जाओ यहाँ। ऋषा ने एक बार फिर से नौमे की तरफ देखा जो बेबसी से इसको देख रहा था, मगर ऋषा को इसकी बेबसी में इसकी जिद नाग और जीत जानने की कोशिश महसूस हुई। निकाह पढ़ाना शुरू किया और वो बेबसी से कबूल करती चली गई। साइन करने लगी तो ऊपर नौवे के साइन पर नज़र पड़ी तो जब्त से आंखें बंद कर और साइन कर दिए। लो बेटा, हमारा फ़र्ज पूरा हुआ, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, आमीन। सब ने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। अब तुम चाहो तो इसे अपने साथ ले जाओ या फिर घर वालों को मना कर इनके साथ ले जाना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे बेटा। वो बुज़ुर्ग नौवे के कंधे पर हाथ रखते हुए घर से बाहर निकल गए। ले जाओ इसे अभी अपने साथ, तुम्हारी माँ बाप
मानते हैं या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अब इससे कोई रिश्ता नहीं है। जैसे ही सब घर से बाहर निकले वो गुस्से से बोलना शुरू हो गई, इस जैसी बेटी को घर में रहने का कोई हक नहीं, बस कर दें आप, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप टिका साथ देती तो ये सब कुछ ना होता। आपने मौका दिया सब को रिशा पर उंगली उठाने का, मगर अब और नहीं, अब मैं अपनी बीवी खिलाफ एक अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूँगा। रिशा चलो यहाँ से, वो इसे बाजू से खींचते हुए गाड़ी तक ले गया और वो बिना चूँ चरा किए चुपचाप गाड़ी में बैठ के उन्होंने ड्राइविंग सीट संभाली। एक नज़र गुमसुम रिशा पर डाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गाड़ी फिर इसी रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। रिशा चलो नाश्ता कर लो, फिर सफ़र लंबा है, तुम्हारी तबीयत पहले ही ख़राब है, सब ठीक हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, नमेशा सुना आपने, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब क्यों मेरे नाम के साथ अब नमेशा का नाम जुड़ चुका है, जो मुझे हर वक्त ये एहसास दिलाएगा कि मैं आपकी एहसानों तले दबी एक लाचार गुलाम हूँ। एक बार फिर आप जीत गए नमेशा, एक थप्पड़ वो था जो आपने मुझे बचपन में मारा था और एक थप्पड़ ये है जो आज आपने मुझे मारा है। दोनों बाजुओं में जीत आपकी हुई और मेरा कदर बने ये आंसू और ज़िंदगी भर का एहसान। रिशा क्या हो गया है, ये कैसी बातें कर रही हो, जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। हालात आपके खुद के पैदा किए गए हैं। आप अमीर लोगों के लिए तो आसान होता है हालात का बहाना बनाकर मामलात से जान छुड़ाना, मगर हम गरीब लोग आपके पैदा किए गए हालात से ज़िंदगी भर आंसुओं की चक्की में पिसते हैं। ईशा कोई गलत फहमी हुई है तुम्हें, मैंने तो खुद तो जो कुछ किया तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए किया, और ये क्या है अमीर गरीब, आज से बल्कि अभी से खुद से ये गरीबी का टैग हटा दो। अब तुम मेरी बीवी हो और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है, तो खुद को गरीब कहना बंद कर दो। हमारे दरमियान ये जो अमीरी और गरीबी की दीवार है इसे ख़त्म कर दो, भूल जाओ सारी बातें, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करो। अब दुनिया को रिशा गुल बनकर नहीं मिसेज नमेशा बनकर देखो। मुझे उम्मीद है मेरे नाम से जुड़ी दुनिया तुम्हें खूबसूरत लगेगी। आपके लिए कहना आसान है मगर मेरे लिए ये करना मुश्किल है, क्योंकि धोखे से जुड़े रिश्ते कभी खुशी नहीं देते, ऐसे रिश्ते अंदर से खोखले होते हैं। बेहतर होगा आप मुझे इस खोखले रिश्ते से आज़ाद कर दें और अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जिए। आई थैंक यू आर टोटली माइंड, मैंने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें, शायद किस्मत में हमारा मिलना ऐसे ही लिखा था। मैं तो यहाँ आया था तुमसे वो एक पल के लिए रुका, खैर ये सब बाद में बताऊँगा जब तुम मुझ पर यकीन करने लगोगी, क्योंकि अभी तुम बेतबारी इस सीढ़ी पर हो जहाँ से वापस पलटने के लिए तुम्हें फिर से बाहर का दम थामना होगा, जो तुम अभी थामना नहीं चाहती। तुम्हें बाहर नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं नाश्ता यहीं ले आता हूँ। क्या खाओगी, सैंडविच बर्गर पिज़्ज़ा या कुछ और? रिशा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वापस आया तो वो अभी तक इसी हालत में बैठी आंसू बहा रही थी। ईशा की साइड का दरवाज़ा खोला और शेख
इसकी तरह बढ़ा दिया। ऋषा ने सर नफी में हिला दिया। ऋषा गुल अब की बार नौवें का लहजा थोड़ा सख्त था। ऋषा ने नजरें उठाकर इसकी तरह देखा तो वो आ दिया, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी नाम हो तो इस लिहाज से मेरी हर बार माननी होगी, तुम्हें ये सीख लो और जल्दी से ख़त्म करो, ये मेरा हुक्म है। ऋषा चंद पल इसकी आंखों में देखती रही और फिर आंसू पूंछते हुए गिलास थाम लिया। गुड गर्ल, उन्होंने हसरत भरी निगाहों से दरवाजे पर कहीं जमाए हाथ थोड़ी पर टिकाए सी इसे देखने लगा। वो किसी मासूम बच्ची की तरह आंसू बहाते हुए शेक पी रही थी। कभी सोचा नहीं था कि जिस ऋषा से बचपन में नफरत थी मुझे वही दिल के इतने करीब हो जाएगी। अब समझ आती है इससे बेचैनी कि तुम्हारे वो आंसू मुझे रात भर सोने क्यों नहीं देते थे। दरअसल वो बेचैनी नहीं तुम्हारे मोहब्बत थी जो अब तक मेरे दिल में आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही थी, और आज इस मोहब्बत के अंजाम में मुझे तुम्हारा साथ मिला। वो यूं ही से देखते सोच में गुम हो चुका था। तब ही अरीशा ने इसके सामने गिलास रखा तो वो चौंक कर मुस्करा दिया। गिलास लेकर वापस अंदर चला गया और एक बैग लेकर वापस गाड़ी में बैठ गया और वो बैग ऋचा की गोद में रख दिया। इसने खुंखार नज़रों से पूरा ये सब तुम्हारे लिए है, रास्ते में खाती रहो वैक्सीन नहीं होने चाहिए, वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं क्यों खाऊं ये सब कुछ, आप खा लें, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया, यानी कि मेरी बीवी को मेरी बहुत फिक्र है। नन की बात पर ईशा का दिल चाह के अपना सर पेट पीट ले। ज़्यादा कुछ खुशफहमी इंसान को पागल कर देती है, इसलिए बेहतर है कि आप ये फहमियाँ ना ही पालें तो अच्छा है, बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी ये पछता लें। मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करने वाली, मेरे लिए यह रिश्ता बस गुलामी की हैसियत रखता है जो मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी, एज यू विश, मगर मुझे खुशी है चाहे गुलामी में ही सही तुम मैं अब कुछ सही तुम ने ये रिश्ता दिल से निभाने का ऐद तो किया, अब कुछ खा लो और सो जाओ, सफ़र तवील है और तुम्हें आराम की ज़रूरत है। ईशा ने वो बैग गाड़ी की पिछली सीट पर रख दिया और सीट से सर टिकाए आंखें मूंद गईं। मैं भी एक नज़र इसे देखते ड्राइविंग में मसरूफ़ हो गया। वो सारे रास्ते ऐसे ही सोती रही। नौवे ने इसे नहीं जगाया क्योंकि इसने शेख में नींद की गोली मिलाई थी ताकि ये चंद घंटे रिलैक्स होकर सो जाए। लाहौर पहुंचकर नौवे ने गाड़ी हॉस्टल की तरफ मोड़ दी। वो जानता था कि ऋषा अपनी फैमिली से ज़्यादा दूर से अटैच है, तो इसीलिए वो सीधा हॉस्पिटल आ गया। गाड़ी पार्किंग में रोकी और ऋषा को आवाज़ दी। वो दूसरी आवाज़ पर मसलते हुए उठ गई। नींद की गोली की वजह से सर बहुत भारी हो रहा था और चक्कर भी आ रहे थे। आ जाए मैं पहुंच गए हम हॉस्पिटल। नौवे गाड़ी से बाहर निकलकर इसकी साइड वाला दरवाज़ा खोलते हुए बोला। वो चुपचाप गाड़ी से बाहर निकली और नौवे के साथ चली गई। शाला बेगम के कमरे में पहुँच कर नौवे ने दरवाज़ा नाक किया। उन्होंने जैसे ही नौवे और ऋषा को एक साथ देखा चौंक कर अपनी सीट से उठकर इसकी तरफ बढ़ी। नौवे ऋषा पढ़कर इनके गले लगकर आंसू बहाने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची को, नौवे कहाँ थे तुम, कितने कॉल्स की मैंने और क्या
और क्या है ये सब हालत देखो अपनी, तुम एंगेजमेंट के बाद से गायब हो, तुम्हारे डैड बहुत परेशान हैं तुम्हारे लिए, उनको तो यही पता है कि तुम हॉस्पिटल हो, मगर तुम अरीशा के साथ साथ क्या साथ थे, क्या हो गया है तुम्हें, अगर तुम्हें पता चल भी गया था तो आखिर मुझसे बात करते, डायरेक्ट रिशा के घर जाने की क्या ज़रूरत थी, आखिर तुम कब बड़े हो गए। दादो प्लीज़ रिलैक्स, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ, आप आराम से बैठें, आपको सब बताता हूँ मैं। रिशा बैठो यहाँ, वो इसे खुद से अलग करती हुई कुर्सी पर वापस बैठ गई और रिशा की तरफ पानी का गिलास बढ़ाया। मैंने कमरे का माजा ला किया और कुर्सी पर बैठ गया। दादा आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, दरअसल हुआ यह है कि जब मैं रिशा के घर पहुंचा तो इसने शुरू से लेकर निकाह तक की सारी बात इन तक पहुंचा दी। ओह माय गॉड, ये तुमने क्या कर दिया नौवें, तुम जानते हो अपने बाप को, वो रिशा को कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं करेगा। पहले क्या कम मुश्किलात थी इस बच्ची की जिंदगी में जो तुमने मजीद बढ़ा दी। दादो मैं मजबूर हो गया था और कोई ऑप्शन नहीं था, कम से कम आप तो मेरा यकीन करें। ठीक है मैं कर लेती हूँ यकीन, मगर अब क्या आगे क्या होगा। रिशा अब तुम्हारी बीवी बन चुकी है और यह तुम्हारी ज़िम्मेदारी है अब अपने डैड को मनाना ही होगा तुम्हें हर हाल में। मगर दादो मैं कैसे, आप मेरी हेल्प करें, आप भी तो शामिल हैं इस मामले में। आखिरी बात पर वो मुस्करा दिया, मतलब दादो को धमकियाँ। वो नवे का कान खींचते हुए बोली, नवे ये मजाक का वक्त नहीं है बेटा, ऐसा करता हूँ रिशा को घर ले जाता हूँ और बता देता हूँ डैड को सब कुछ। नहीं इतनी जल्दी ऐसा कदम मत उठाना, फिलहाल तुम घर जाओ, रिशा को साथ ले जाओ और अफशान के घर छोड़ दो। इम्पॉसिबल, रिशा का हक है अब मेरे साथ मेरे घर में रहना, तो मैं कैसे इसे किसी और के घर में छोड़ दूँ। रिशा वहीं रहेगी जहाँ मैं, आप चले मेरे साथ, दोनों मिलकर बात करते हैं। नहीं नौमे अभी सही वक्त नहीं है, मैं तुम्हारी जज्बात समझ सकती हूँ बेटा, तुम्हें रिशा की फिक्र है, मगर रिशा को इस घर में ले जाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा तुम्हें। जाओ रिशा नौमे के साथ, जब तुम तक हम इनको मना ना लें तुम्हें वहीं रहना पड़ेगा। वो चुपचाप सर हिलाकर बाहर इधर बैठ गई और नौवें भी इसके साथ चल दिया। अब बस यही गाड़ी रोक दें आप, मैं नहीं चाहती कि कोई आपके साथ मुझे देखे। तो गाड़ी अभी शाम के घर से कुछ दूर थी जब रिशा बोल पड़ी, मगर अभी तो घर काफ़ी दूर है रिशा। नौवें गाड़ी रोकते हुए बोल मैं चली जाऊंगी, आप मेरी फिक्र मत करें, आप अपनी फिक्र करें, अगर आपको किसी ने मेरे साथ देख लिया तो आपके और आपके डैड की टेंशन को बहुत बड़ा धोखा लगेगा सकता है। वो नौवे के कुछ भी बोलने से पहले गाड़ी से बाहर निकल गई और पैदल घर की तरफ चल दी। डोर बेल बजाई तो गेट कीपर ने दरवाज़ा खोला और वो उनको सलाम करते हुए घर में दाखिल हुई। एक बार पलट कर नौवे की तरफ देखा जो गाड़ी गेट के सामने रोक चुका था, गेट बंद करते हुए अंदर चली गई। नौवे ने गाड़ी अपने घर की तरफ बढ़ा दी, हॉर्न बजाया तो गेट का कीपर ने गेट खोल दिया और वो भी तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इससे डर था कि अगर मॉम डैड ने इसे एंगेजमेंट वाले ड्रेस में देख लिया तो इनको शक हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं कहीं और था। कमरे में जाकर कुछ सुख का सांस लिया, फ्रेश होकर नीचे पहुँच सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। वो सलाम करते हुए खाना खाने बैठ गया।
बहुत मसरूफ़ रहने लगे हैं वो, आजकल आने का भी वक्त नहीं मिलता। नहीं डैड ऐसा कुछ नहीं, बस सुबह कुछ इमरजेंसी थी तो बताया चला गया। आप बताएं कैसे हैं, मुझे क्या होना है भाई, घर में खुशियां आने वाली हैं, मेरे इकलौते बेटे का निकाह बहुत जल्द, मैं तो गिन गिन कर दिन गुजार रहा हूँ कि कब अपने बेटे को दुल्हा बना दे देखूँ। नौमे की प्लेट पर गिरफ्त मजबूत हुई और ट्रे की तरह बढ़ाता हाथ रुक गया और वो ये मुश्किल मुस्करा दिया, क्या हुआ, खाना खाओ, नहीं खा है मिसेस शाह, नौमे की हाल खाली प्लेट देखकर आगे बढ़ी ना खाना डालने लगी। नौमे ने परेशानी से बोलने में बालों में हाथ फेरा, गहरी सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स किया और खाना खाने में मसरूफ़ हो गया। खाना खाने के बाद कमरे में आकर सोने के लिए लेट गया, थकावट से अपनी बाल बनवाई है, बुरा हाल था, लेटे ही सो गया। चाचा और तुम्हें खुशी मिलती है ना तुमको, ये सब करके मगर अब मैं कभी तुम्हें ऐसा नहीं करूंगी, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, समझे तुम। ये कहकर उसने मुंह फेर लिया और आंखों में आंसू आ गए और यही बात हशर की कमज़ोरी थी। देखो मिशी, मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, तुम मुझसे छोटी हो, अगर मैं तुम्हें गलत काम से बचा लेता हूँ तो इसमें क्या बुरा किया करता हूँ, तुम मेरी कज़न हो। और ये कहकर वो चुप हो गया तो मिशी चिल्लाई, मुझे पता है तुम कितने अच्छे हो, खुदा का वास्ता है मेरी जान छोड़ दो और मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, और तुम मेरी कुछ नहीं लगते, कज़न भी नहीं, समझे तुम। ये कहकर वो अंदर चली गई। आशिर ने भी इस आज रुकवाया था मगर उसको समझ नहीं आता था इस पागल लड़की को कैसे समझाए कि वो इसके लिए कितनी खास है। दिन ब दिन वो समझ से दूर होती जा रही है। आशिर अपना सर पकड़ कर बैठ गया। पहले दोनों फैमिलीज एक ही घर में रहती थी मगर फिर उन्होंने एक अलग अलग घर बनवा लिए। आशिर बचपन से ही मिशी की बहुत फिक्र करता था, अगर कोई इससे लड़ाई करता तो आशिर इसे खूब मारता, अगर मिशी किसी और बच्चे से दोस्ती कर लेती तो उस बच्चे की खैर नहीं थी, इसलिए कोई भी इससे दोस्ती नहीं करता था। और मिशी को बचपन से ही हशर इसलिए पसंद नहीं था, वो इसके हर काम में इंटरफेयर करता था। जैसे जैसे वो बड़े होते गए इसकी नापसंदगी बढ़ती गई और मिशी इसे दिल ही दिल में कितने ही अलकबास से नवाजती थी मगर इसके सामने कहने से डरती थी। आज वो इसके सामने बोल तो पड़ी थी मगर अब डर नहीं थी कि वो बंदर कहीं ताया अब्बा को ना बता दे जाकर, इसे तो वैसे ही शौक है ना मेरी बेइज्जती करवाने का, फिर चाहे घर में हो या बाहर। आए मिशी तुम क्यों बोली, अब वो पता नहीं क्या करेगा तुम्हारे साथ। वो खुद से बातें करते हुए वहीं सूफे पे सो गई। हनी ने जब सियासे ऊंच में सोफे पे सोता देखा तो अपने सर पर हाथ मारा और बोली, ये लड़की भी ना पागल है और अब चाहे कुछ भी हो भी ये तो उठने वाली नहीं,
इसलिए ऐसे यहीं सोने देने देती हूँ। वो अपने कमरे में चली गई। मरियम भी इसके पास आई और मुस्करा कर इसकी पेशानी पे बोसा करके कंबल दे कर चली गई। वो जानती थी कि मिशी नींद की बहुत पक्की है, यहाँ से उठने उठेगी नहीं। और आश्चर्य अभी तक बाहर बैठा मिशी के बातें सोच सोच कर परेशान हो रहा था। इसे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। जब इसने देखा तो रात के 3 बज रहे थे, तो वो वहाँ से उठ गया। जैसे ही वो अंदर गया तो मिशी ने सोई हुई थी, तो वो उसे देख कर सोचने लगा कि मिशी एक ना एक दिन तो मुझे ज़रूर समझोगी और मुझे इस दिन का इंतज़ार रहेगा। फिर वो अपने कमरे में चला गया। ये दुनिया ऐसा सारा है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर लें, वो आपकी ज़रा सी लज्जश पर आपको आपकी औकात याद दिला देते हैं। फिर चाहे आपने उन लोगों के लिए अपने अजीज़ रिश्तों और चीज़ों को भी वक्त दिए देना क्यों ना छोड़ दिया हो, इनके लिए ये चीज़ भी कोई मायने नहीं रखती। ये चीज़ हम समझ लेनी चाहिए कि हमारा रब के सिवा कोई हमारा नहीं होता। कमरे में जाकर हाशिर ने वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़कर लेट गया, मगर अब नींद कहाँ आनी थी। वो बस मिशी के बारे में ही सोच रहा था। वो बहुत पसंद करता था मिशी को, मगर मिशी को बताने से डरता था। मगर सारे घर वाले ये बात जानते थे और मरियम तो मिशी को अपनी बहू तस्लीम कर बैठी थी, मगर कौन जाने कब कहाँ क्या हो जाए, ये बात तो सिर्फ अल्लाह जानता है। और बेशक इसके फैसले बेहतर होते हैं। इंसान को जब तक ठोकर नहीं लगती उसे सच्चे और झूठे का पता नहीं चलता, मगर वो ज़ात सब को सही वक्त पर अब कुछ खा देती है। हमें इंतज़ार रहता है इस वक्त का, वो जो हमसे नज़रें मिलाना नहीं चाहते। मंजर बदल गए हैं, रिश्ते बदल गए हैं, जो जान तक दे देते थे वो यार बदल गए हैं। अगली सुबह का मंजर, आनिया और मिशेल यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो गए और उमर भी नाश्ता कर रहा था। बाहर से आयरन की आवाज़ आने लगी तो मरियम ने उमर को डांटा के जल्दी खा लिया करो, अब आशिर गुस्सा करेगा। तो उमर ने आंख मारते हुए कहा, नहीं अम्मी आज नहीं करेंगे। भाई गुस्सा और मिशी को देखकर हंसने लगा तो वो चुप ही रही। जब वो तीनों बाहर आए तो आशिर गाड़ी में बैठा था। आनिया और उमर जल्दी बैक सीट पर बैठ गए तो मजबूरन मिशी को आगे आना पड़ा। इसने बैठते हुए एक नज़र हाशिर पर डाली तो इसकी आंखें बहुत सुरख हो गई थी। एक लम्हे के लिए तो मिशी साकत रह गई। वो जानती थी कि मेरी बातों की वजह से वो रात भर सोया नहीं होगा, मगर फिर खुद को तसल्ली देने लगी कि अच्छा हुआ है इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यही इसी काबिल उल्लू का पट्टा।
समझता क्या है, खुद को ऐसे रिएक्ट करेगा तो मुझे बहुत हमदर्दी होगी इससे। तो ये बूढ़ी हमदर्दी होगी इससे तो ये भूल होगी इसकी। वो मन ही मन में जाने क्या सोची जा रही थी इस बात से बेखबर के हाशर अभी भी इसे नोट कर रहा था और जानता था कि वो इसे ही कोस रही है।